कह रहे थे, एक बार फटाफट से वो भी सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान श्रीनाथ जी की कृपा से आज नागवारा में जियो ट्रू 5G की सर्विस के साथ 5G पावर्ड वाईफाई सेवा का शुभारंभ हो रहा है। मैं ये मानता हूँ कि 5G सबके लिए है, इसलिए हमारी कोशिश है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी की तरह देश के कोने कोने तक 5G चालू हो और जियो की ट्रू 5G सर्विस जल्दी चालू हो। श्रीनाथ जी के आशीर्वाद से नादवारा और चेन्नई में भी आज से जियो ट्रू 5G सिटी बन गए हैं। रिलायंस पर भी कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, नतीजे जैसे अनुमान था वैसे ही आते हुए म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स हमने देखा, लेकिन खास तौर से फोकस हमें ये करना है कि फाइनेंशियल सर्विस यूनिट को डीमर्ज करने की जो खबर आती हुई दिखी है उसके चलते स्टॉक में रिएक्शन नजर आ सकता है। एचएसबीसी की रिपोर्ट में होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी गई, हालांकि टारगेट प्राइस को इन्होंने कट किया है। वहीं जेफरीज ने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस यहाँ पर भी कट किया गया है। क्या यहाँ से आपको लगता है एक कंसर्न बिल्ट होगी रिलायंस के लिए? 2479 2480 के लेवल्स हैं, आपको लगता है यहाँ से कमजोरी आज के दिन में एटलीस्ट रिलायंस देख सकता है या फिर संभाल लेगा, जिस तरह से हैवी वेट के तौर पर रिलायंस एचडीएफसी ट्विन्स लगातार बाजार को संभाल रहे हैं? मानसी देखिए, अगर स्टॉक सेटअप की ही बात करें तो स्टॉक फिलहाल एक बहुत टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। निचले स्तरों पे 2340 2360 के जो जोन्स हैं यहाँ पे स्टॉक का एक सपोर्ट है। काफी बार स्टॉक ने वहां सपोर्ट लेके अप ट्रेंड शुरू किया है, लेकिन हमने इसमें सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है एट मल्टीपल पॉइंट्स। और फिलहाल जहां ये ट्रेड कर रहा है 2480 और यहाँ से 2550 के जो जोन्स हैं, 2520 के जो जोन्स हैं, यहाँ पे इसका 50 डे मूविंग एवरेज बनता है जिसको स्टॉक कन्विंसिंगली नहीं क्रॉस कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है थोड़े दिनों के लिए ये जो साइडवेज एक्शन है इसमें कंटिन्यू रहेगा। अगर आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो स्टॉक 2440 के आसपास अगर आपको मिले तब आप इसमें एंट्री करिए। वहां से 2400 के स्टॉप लॉस, 2520 का पहला टारगेट और 2575 के जो लेवल्स हैं ये आपका सेकंड टारगेट होगा। बट हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ समय के लिए हो सकता है कि रिलायंस थोड़ा सा म्यूटेड रहे, ऑल्दो इनहेरेंट स्ट्रेंथ जो है फिलहाल इसकी पॉजिटिव है, बट एक साइडवेज कंसोलिडेशन होगा, बड़ा मूव नहीं। द गुड थिंग इज कि लीडरशिप अलग सेक्टर से आ रही है, सो मार्केट डजंट रियली हैव टू डिपेंड ऑन रिलायंस फॉर मूविंग हायर और ब्रेकिंग आउट ऑफ अ रेंज। तो दोनों ही फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से शायद रिलायंस में थोड़ा सा म्यूटेड एक्शन रह सकता है। रिलायंस को लेकर एक तस्वीर हम आपको और भी दिखा